हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग 3 नवंबर 2022 की एनर्जीज देख लेते हैं कैसी रहने वाली है हमारे लिए। कार्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। लाइफ के सारे एरियाज में हम लोग देखेंगे। द चैरियट का कार्ड है। आप कहीं घूमने जा सकते हैं अगर आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कहीं पे जाने की, तो ठीक है, कुछ वीकेंड एंजॉय करने की, यहाँ अपने पुराने दोस्त के पास जाने की। अगर आप अपने पेरेंट्स से, होम टाउन से दूर रह रहे हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं उनसे मिलने। ये रहने वाली ओवरऑल एनर्जी। अगर हम इस कार्ड को रिलेशनशिप वाइज देखें तो अभी के लिए अगर आपके पास कोई प्रपोजल आ रहा है तो उसको नो बोलें। अभी के लिए आपको अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है। आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर पे फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इमोशंस में आके गलत डिसीजन ना लें। ऑलरेडी कोई आपकी लाइफ से जा चुका है आपको चीट करके, तो वापस उन्हें दोबारा मौका ना दे आपके इमोशंस के साथ खेलने का और आपको चीट करने का। अगर इस कार्ड को हम हेल्थ वाइज देखें तो जो भी आपकी हेल्थ में अभी तक प्रॉब्लम्स थी, अभी इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो रही है। और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, टाइम लगेगा, 6 मंथ का टाइम पीरियड लग सकता है परफेक्टली हेल्दी होने में, बट आप हेल्दी हो जाओगे। कोई भी अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो। इस कार्ड को हम लोग जॉब के अकॉर्डिंग देखें तो जॉब में आपकी ऑफिस में, बिजनेस में, पहले ऑफिस देख लेते हैं। ऑफिस में कोई न्यू कलीग आ रहा है जो थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है या थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, जिनके साथ शायद कुछ लोगों की बने आपके ऑफिस में, कुछ लोगों की ना बने, डिपेंड्स। बिजनेस में आप लोगों को अपने जो एनिमीज हैं उनसे थोड़ा बचकर रहना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि कुछ भी वो फेक डील्स करके या आपके नेम यूज़ करके आपके ब्रांड का नाम खराब ना करें। लास्ट हम इसको देख लेते हैं स्टडीज़ के मैटर में। स्टडी के मैटर में आपको फोकस एंड कंसंट्रेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाले ने कितना किया है, कितना आगे बढ़ गया है। आपको अपनी स्टडीज़ और अपनी गोल पे ध्यान देना है। आज की रीडिंग में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू।